now we will talk about some red flags it is important to understand what is meant by red flags throughout all contexts the term red flag signifies a reason to stop we have seen red flag ka jo symbol hai, wo dekha hai, this is a caution this is a sign of danger this is something to stop and think that is there something going on wrong red flags are the potential patterns practices और स्पेसिफिक एक्टिविटीज इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर और एनी हार्म जहाँ पर भी किसी टेक्स्ट में किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी मैनुअल के अंदर रेड टैग जो है वो लगा हुआ हो तो उस रेड फ्लैग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंसिडरेशन देने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसको हम थोड़ा सा कैजुअल लेंगे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वार्निंग साइंस ऑफन वेंट अनअटेंडेड ड्यू टू रैशनलाइजेशन दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वी रैशनलाइज के ओके वी अंडरस्टैंड के यहाँ पर कोई रेड फ्लैग है बट वी नो दैट हाउ टू डील विद इट और हम वहां पर रुक कर पॉज करके उसको रीथिंक नहीं करते और उसे अनअटेंडेड छोड़ देते हैं हाई स्ट्रेस इनकम्पिटेंस और ऑल्सो द गि सिचुएशन यहाँ पर केयरलेसनेस जिसकी वजह से हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं सो प्रोसेसिंग ऑफ द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विदाउट फुल अवेयरनेस मेक्स पीपल प्रोन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इंफ्लुसिस दे डू नॉट फुली परसीव नाउ द सिचुएशन काम्स के जब हम अपने स्ट्रेस की वजह से इनकम्पिटेंस की वजह से या हेस्टीनेस की वजह से उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं और कोई इंफॉर्मेशन जहाँ पर यह बात हमें देखनी पड़ने की ज़रूरत होती है कि वो कोई सेंसिटिव चीज़ तो नहीं है उसे हमने कैसे प्रोसेस करना है वो इग्नोर हो जाती है और उसकी वजह से हम उसे अटेंड किए बगैर डिलीवर कर देते हैं और वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम या डिजास्टर जो है वो हो सकता है नॉट एवरी वार्निंग साइंस इज इन इन एट सेल्फ अथिकल वायोलेशन नॉट डेट एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली लीड टू द पुअर डिसीजन विद रिग्रेटेबल रिजल्ट ना ये समझने की बात है कि हर रेड फ्लैग अगर हम क्रॉस कर देते हैं या उसको हम ओवर लुक कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एथिकल वायोलेशन ही होगी और जरूरी नहीं कि उसके नतीजे में हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो कि हमारे लिए बहुत पुअर होगा और अनरिग्रेटेबल रह जाएगा लेकिन वंस अ मैटर सिग्नलिंग पोटेंशियल रिस्क बिकम अपेरेंट केयरफुल कयरफुल कंसिडरेशन एंड एनी नेसेसरी अकोमोडेशन इज द नेक्स्ट स्टेप और वेरी इंपेरेटिव बात बहुत छोटे छोटे से ऐसे प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं जो बाद में लॉन्ग टर्म में जाके हमारे लिए डैमेजिंग हो जैसे हम आ, जब एथिक्स को पढ़ते हैं और हम बहुत सारे ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट्स की अब तक बात कर चुके हैं हमने मिलगिर मनाज की स्टडीज की बात की हमने मानसुर एक्सपेरिमेंट की बात की हमने तस्कीजीज़ कैंप की बात की जहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह की कंडीशनस जो थी उसमें एक्सपोज किया गया और उसके बाद उनको प्रॉपरली केटर नहीं किया गया जिसके शायद बाज़ात जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो इंस्टेंटली इतने डैमेजिंग नहीं थे यानी इंस्टेंटली उनके अंदर कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं आई थी लेकिन लेटर ऑन वो बहुत ज़्यादा जो थे वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए सो रेड टैग मीन्स कि जहां पर हमें ये महसूस होता है कि किसी भी एक्ट का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हो सकता है So, there the therapist need to be very conscious. Now, some important issues in the therapeutic relationship that are associated with red tag could be the following. Desire for different relationship from client and therapist. Now, because people are human being, they engage in themselves from one to another. So, disclosing irrelevant details about your own life to the client is not a good practice. Here comes a red tag. यानी अगर हम बात करते हैं कि एक क्लाइंट को थेरेपिस्ट अपनी ज़ाती जिंदगी की बातें बता रहा है सो दिस इज नॉट एडवाइजेबल थिंकिंग ऑफन अबाउट अ क्लाइंट आउटसाइड ऑफ सेशन या थेरेपिस्ट को क्लाइंट से इतनी फैचुएशन हो जाती है कि सेशन खत्म हो जाता है क्लाइंट चला जाता है बट द थेरेपिस्ट थिंकिंग अबाउट दैट क्लाइंट इज ऑल्सो समथिंग विच इज रेड फ्लैग देन कंसर्नस अबाउट पर्सनल एम्बिशन एंड फाइनेंशियल गेन ये एक बहुत ही आ, समझने की बात है कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ जब हम एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में हैं और उसको वन टू वन कॉन्ट्रैक्ट में थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है दैट इज़ द वेल बींग ऑफ दैट क्लाइंट बेशक ये एक प्रोफेशन है लेकिन इसमें हम ये इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि इंडिविजुअल जो है उसकी वेलबींग well से ज़्यादा फाइनेंशियल गेन इंपॉर्टेंट हो कि उसने कितने पैसे देने हैं एंड हाउ लॉन्ग ही विल बी गिविंग द मनी एंड थिंग्स लाइक दैट सो so, क्लाइंट को इस पोजीशन से देखना कि वो सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस को आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहा है ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस होगी एंड एक्सेप्टिंग क्लाइंट्स बाय अवेयर दैट योर ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज आर नॉट लाइकली टू बी द दफिशेंट तो वहां पर भी एक इनकम्पिटेंट थेरेपिस्ट के तौर पर परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होगा फेलिंग टू रेफर क्लाइंट्स वेन इट बिकम्स क्लियर दैट दे आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट अब इसकी रीजन क्या होंगी आपको पता है आपकी ट्रीटमेंट से आपकी थेरेपी से आपके क्लाइंट को फायदा नहीं हो रहा बट स्टिल आप उसको प्रोलोंग करते जा रहे हैं रीजन दैट दैट यू हैव फाइनेंशियल गेन इन योर माइंड कि इसकी वजह से मुझे हर सेशन की एक सेटल अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो रही है और मैंने इसकी थेरेपी को जितना लंबा कर सकता हूँ मैंने इसको लंबा करना है सो दिस इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग देन फेलिंग टू रिफर क्लाइंट्स वेन इट बिकम्स क्लियर दैट देयर सिम्टम्स आर गेटिंग वर्स इवन आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर यू ये एक उससे भी बड़ी बुरी बात है कि जब ये पता चल रहा है कि एक ट्रीटमेंट जो है वो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान दे रहा है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स से वर्स होते जा रहे हैं लेकिन स्टिल उसको कंटिन्यू करते चले जाना दिस इज ऑल्सो वेरी अनएथिकल देन कंटेम्पलेटिंग आस्किंग अ क्लाइंट फॉर अ फेवर और अ लोन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज समथिंग कि आप अपने क्लाइंट से बिकॉज दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड और दे आर प्रिविलेज्ड अनाफ इन एनी सेंस उनसे किसी किस्म का लोन मांगा जाए उनसे कोई फेवर मांगी जाए उनसे कोई पर्सनल गेन मांगा जाए और ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट की जाए जो कि उस प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से हट कर है लेकिन सिर्फ उसका फायदा थेरेपिस्ट को हो रहा है सो दीज आर द रेड फ्लैग्स एंड दे आर कॉल्ड टू बी वेरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस व्हिच द थेरेपिस्ट मस्ट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड दे शुड नॉट प्रैक्टिस एनी ऑफ दीज रेड फ्लैग्स ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस